यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। लाखों रुपए अदा करने के बाद भी सीएचसी घरौंडा को बिजली सप्लाई की हॉटलाइन नहीं मिली। बीते 12 वर्षों से हॉटलाइन का यही सरकारी फाइलों में दफन हो रहा है। अब इस मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग व बिजली निगम के अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा बीते लंबे अरसे से सीएचसी में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। घरौंडा सीएचसी में बिजली के कटों की दिक्कत को देखते हुए वर्ष 2006 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिजली निगम की हॉटलाइन देने का आवेदन किया गया। आवेदन के मुताबिक बिजली निगम ने जो एस्टिमेट स्वास्थ्य विभाग को बनाकर भेजा था, उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग के डीजी हेल्थ कार्यालय की ओर से निगम को राशि जमा करवाई गई, जिसके बाद वर्ष 2013 में घरौंडा सीएचसी के साथ साथ प्रदेश की कई अन्य सीएचसी के हॉटलाइन की राशि जमा करवाई गई। हेल्थ विभाग की ओर से राशि जमा करवाने के बावजूद सीएचसी में हॉटलाइन नहीं गई। तब से लेकर आज तक हॉटलाइन की फाइल ना जाने किस कोने में धूल फांक रही है। तो आपको बता दें, बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि 12 साल बाद भी हॉटलाइन नहीं मिली है, जिसके लिए जो अस्पताल प्रशासन है, सीएचसी को हॉटलाइन नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो बिजली विभाग को जिम्मेदार मान रहा है। उनके अनुसार की फाइलें काफी पहले ही जमा करा दी गई थी, लेकिन वो नहीं जानते कि फाइलें किस कोने में धूल फांक रही है, जिसके चलते जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है।